नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन दोस्तों इस माह में आने वाला है, तो एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेके आ चुका हूँ। एसएससी जीडी की तैयारी करने वालों के लिए हिंदी का आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आ चुका हूँ। दोस्तों इस हिंदी के पेपर में क्या क्या पढ़ना है, और ये हमारी क्लास नंबर 1 है। क्या है ये हमारी क्लास नंबर 1 है। कैसे पढ़ेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन देने वाली संस्था है। पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट ने सिलेक्शन पाया है स्टार एजुकेशन पर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहला एक प्रश्न करते हैं, उनके बाद में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाला हूँ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए कौन सा कर्मश शुद्ध है, शुद्ध वाक्य कौन सा पूछा गया है। यस, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम के द्वारा सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, और दोस्तों हजारों बच्चों के साथ में लड़ने का मौका, कंपटीशन लड़ने का मौका दोस्तों मात्र 100 रुपये में 50 फुल पेपर सेट। कितने दोस्तों, 50 फुल पेपर सेट, प्रैक्टिस सेट आपके 50। अगर आप 10वीं पास हैं, अगर आप 18 से 30 साल की उम्र है, तो एसएससी जीडी की परीक्षा दे सकते हो। हमारा पहला टेस्ट अपडेट हो चुका है, पहला फुल पेपर सेट, पहला प्रैक्टिस सेट हमने अपडेट कर दिया है। आज आपको बता देता हूं दोस्तों, 11 जून से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, 11 जून से। तो हमने पहला पेपर सेट, फुल पेपर सेट कर दिया है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो दोस्तों 9461041363 पे जाना है। 1000 स्टूडेंट दोस्तों, बता दें 1000 अभ्यर्थियों के लिए ओनली फॉर 100 रुपये। कितना दोस्तों, 100 रुपये में हमारी टीम आपका क्या करवा रही है, प्रैक्टिस सेट करवा रही है 100 रुपये में। पेमेंट फोन पे, गूगल पे कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, और हमारे जीडी के ग्रुप के अंदर जुड़ जाइए। नीचे आपको लिंक मिलेगा, वो हमारे एसएससी जीडी का ग्रुप दे रखा है। एक ग्रुप के अंदर दोस्तों अब एक ही मेंबर जुड़े तो अच्छा रहेगा, और अपने दोस्तों को शेयर करें। इसकी पीडीएफ फाइल वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट चार, इसकी जो वैधता है परीक्षा तक दोस्तों, जब तक आपकी एग्जाम रहेगी तब तक आपकी वैधता रहेगी, 1000 स्टूडेंट के लिए मात्र 100 रुपये में परीक्षा तक। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, सही शुद्ध शब्द पूछा गया वर्तनी से संबंधित। इसका राइट आंसर दंपति। क्या है, दंपति आपका बिल्कुल राइट आंसर, राइट आंसर इज दंपति। चलिए बताइए अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे। कौन सा वाक्य सही अभिप्राय व्यक्त करता है, जल्दी से बताइए। यस, इस प्रश्न का राइट आंसर, बच्चों को खाने प्लेट में रख कर खिलाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये गलत हो गया, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। खाना प्लेट में रख कर बच्चों को खिलाना चाहिए, खाने को क्या करना है, प्लेट में रख कर बच्चों को खिलाना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बताइए 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य, क्या पूछा है, कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। मैं भोजन नहीं करूंगा, क्या है, मैं भोजन नहीं करूंगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, खरी मंजूरी चोखा काम का अर्थ। दोस्तों खरी मंजूरी चोखा काम का अर्थ का मतलब क्या है, इसका राइट आंसर है पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है, पैसे पूरे देने पर आपकी मजदूरी क्या होती है, अच्छी मजदूरी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। जमात, जमात में करामात का अर्थ क्या है, जमात में करामात का अर्थ क्या है, एकता में शक्ति होना, इसका मतलब क्या है दोस्तों, एकता में शक्ति, क्या है, एकता में शक्ति होना, क्या है, एकता में शक्ति होना आपका राइट आंसर है। मुहावरे में प्रयोग से बने वाक्य में से कौन सा विकल्प सही चुनना आपको, क्या है, सही विकल्प कौन सा है, क्या है, सही विकल्प कौन सा है, ये बताना दोस्तों। यस दोस्तों 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर लीजिए, क्या बात है। यस, इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों,
राम को अपनी अकल का दुश्मन, कहने का मतलब अकल का दुश्मन कौन होता है। इसमें ये पूछा कि मुहावरे के प्रयोग में बना, तो अकल का दुश्मन पूछा, क्या पूछा है, अकल का दुश्मन पूछा है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ में बटेर लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? यस, इसका राइट आंसर है बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को कुफल की प्राप्ति, सॉरी सुफल, किसकी, सुफल की प्राप्ति। यस, क्या है, सुफल की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। मेहरबानी का एकार्थ शब्द क्या है, मेहरबानी का मतलब क्या, क्या बात है, मेहरबानी का मतलब आशीर्वाद या आशीर्वाद नहीं है तो कृपा, क्या है, कृपा आपका राइट आंसर, क्या है, कृपा आपका बिल्कुल राइट आंसर। किसी प्रस्ताव प्रार्थना को उच्च अधिकारियों द्वारा मंजूर किए जाने का एक शाब्दिक अर्थ क्या है, सॉरी देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ साथ में। देखिए प्रश्न कह रहा है किसी प्रस्ताव प्रार्थना को उच्च अधिकारियों द्वारा मंजूर किए जाने को क्या कहते हैं, इसे स्वीकृति प्रदान करना, क्या करना है, किसी को स्वीकृति देनी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपने मेरे को कॉल किया कि सर मुझे एसएससी जीडी के ग्रुप में जोड़ना है, तो मैं उसे क्या करूँगा, स्वीकृति दूंगा, क्या दूंगा, स्वीकृति देने वाला। अज्ञ का विलोम शब्द क्या है, बताइए अज्ञ का विलोम शब्द क्या है, क्या बात, विज्ञ, क्या है, विज्ञ, क्या है, विज्ञ आपका राइट, क्या है, विज्ञ। कानन का अर्थ क्या है, कानन, कानन का अर्थ क्या है, कानन का अर्थ होता है वन, क्या होता है, वन, कानन का अर्थ क्या है, वन होता है। अमृत, दोस्तों अमृत के बारे में पूछा गया, अमृत, अमृत क्या है, अमृत, अमृत का पर्यायवाची नहीं है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या बात है, ऑप्शन नंबर डी, अमरण, क्या है, अमरण, क्या है, अम्र, यस। एक और दे रखा है वर्ग के बारे में, वर्ग में से कौन सा सही अर्थ है, वर्ग में कौन सा सही अर्थ है। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जोड़ लीजिए। पीडीएफ फाइल्स और अधिक जानकारी के 94-61-041-363 नंबर सेव करके व्हाट्सएप कर लीजिए, और मात्र 100 रुपये में दोस्तों, 100 रुपये में परीक्षा तक आपको 50 टेस्ट और पीडीएफ, क्या है, पीडीएफ आपको मिलने वाली है, रोजाना क्लास होने वाली है। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर, यस, इसका राइट आंसर है सम और शांति, क्या है, सम और शांति, यस। देखिए इसका मैं सम का मतलब क्या होता है, सम यानी शांति, यस, ये राइट आंसर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस क्रम में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा खिड़की का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा खिड़की का पर्यायवाची नहीं है, क्या बात है। सभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, क्या बात है। देखिए 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बात है, इसका राइट आंसर द्वार, क्या कहते हैं इसे, द्वार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द्वार कहा जाता है। जब भविष्य काल की क्रिया किसके कारण, देखिए जब भविष्य काल की क्रिया किसी कारण पर निर्भर होती है, 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, यस, ऑप्शन नंबर डी, भविष्य काल, हेतु हेतुमंद भविष्य काल, क्या है, हेतु हेतुमंद भविष्य काल आपका राइट आंसर है। जब भविष्य काल की क्रिया, देखिए जब भविष्य काल की क्रिया अन्य क्रिया पर निर्भर हो, क्या हो, अन्य क्रिया पर निर्भर हो, उसे क्या कहते हैं, कौन सा काल कहा जाता है, 17 नंबर प्रश्न, इसे कहते हैं वही हेतु हेतु मद भविष्य काल, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है।
किसी क्रम में, देखिए किसी क्रम में सभी शुद्ध कौन सा, सही कौन सा है, 18 नंबर प्रश्न का सही शब्द क्या है, शुद्ध कौन सा है ये पूछा गया है। सभी शब्द शुद्ध होने चाहिए। चलिए इसे देखिए, इजाइनी, उचित, उहापो, यस राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। इत्तर, देखिए इत्तर के भीतर सुगंध में किस तरह की अशुद्धि है, इत्तर में भीतर, इत्तर में, इत्तर के भीतर सुगंध, क्या बात है। 29, इसका वचन संबंधित, कौन संबंधित है, वचन संबंधित है। देखिए इत्तर, इत्तर होता है इत्तर, इत्तर, यस। 20 देखिए, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर 20, यस। अनुग्रह क्या है, अनुग्रह। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, नाम मात्र ओनली फॉर 100 रुपये के अंदर 1000 स्टूडेंट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आपको मैं आपको व्हाट्सएप नंबर है ये हमारे, ये व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर लीजिए दोस्तों, 9461041363 पे मैसेज कर लीजिए। आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल भी आपको मिलने वाली है। पहला पेपर हमारा आ चुका है, फुल पेपर सेट आ चुका है, मात्र 100 रुपये में दोस्तों, और केवल 1000 बच्चों के लिए। कितने दोस्तों, 1000 बच्चों के लिए कितना रुपये, ओनली फॉर 100 रुपये पे करना है। अब दोस्तों 1000 स्टूडेंट कब हो जाए, एक नाइट में हो जाए, एक डे में हो जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इसका पीडीएफ फाइल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप जुड़ जाइए। थैंक यू, लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने सुझाव देते रहे दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।